गाइस, नेपाल में टेस्ला चल रहा है। तो ये फर्स्ट टेस्ला में दिखा लाइव, जो कि नेपाल में दिखा हम लोगों को। अब ये फील देगा, अब ये उठेगा, अब ये चढ़ेगा, अब यहाँ से हम लोग ड्रोन शॉट लेंगे। सो चारों तरफ आईना, पता नहीं क्या किस कारण में, ये कारण पूछेंगे हम लोग कि कारण क्या है, लेकिन चारों तरफ मिरर ही मिरर। और एक यूनिक प्लेस लग रहा है, जो संघर्ष किया वो जाके आज रंग ला रहा है, ऐसा है, अच्छा लग रहा है देखने में। किंग्स लॉन्च किए, नाइट लाइफ है, पूरा रात ओपन है काठमांडू में। तो आज का दिन वेस्ट करके फायदा है नहीं। अब बसेस देखिए गाइस, बसेस देखिए, मतलब लॉट्स ऑफ बसेस, मतलब बसों का लाइन लगा हुआ है, बहुत चार लगा दिया ये चारों तरफ। बस मेन सर्विस तो बस है ना, यहाँ पे तो ट्रेन नहीं है ना, तो बस के ऊपर सब डिपेंडेंट है। उधर तो बस ही नहीं था, तो यूनिक कुछ कार भी देखने मिला। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल हमर राइडर। मैं हूँ बाबूनी सरवर, और आज 1 दिसंबर अभी सुबह का 7:55 हो रहा है, अभी हम लोग बर्थ दिवस में है। गाइस कल का जर्नी बहुत सही रहा है, एकदम मस्त एंजॉय करते करते आए, और आज का जर्नी भी और भी मस्त होगा, क्योंकि आज जाएंगे हम लोग काठमांडू होके पोखरा। तो ये जर्नी होगा एक 390 किलोमीटर का जर्नी होगा आज, इंशाल्लाह हम लोग पोखरा तक ये जर्नी कम्प्लीट करके पहुँच सकेंगे। कितने बजे तक पहुँचते हैं, 10-12 घंटा का जर्नी होगा। अभी हम लोग 9 बजे भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, तो एक 9-10 घंटा लगेगा, मतलब 6-7 बजे तक हम लोग इंशाल्लाह पोखरा पहुँचेंगे। तब से मैं साइद को उठा रहा हूँ, उठ भाई उठ, उठ उठ भाई उठ, सोए जा रहा है, अभी जाके हो गया है बाथरूम, बात नहीं करने गया है, वॉशरूम वॉश नहीं करने गया है, 2 नंबर गया है भाई, 2 नंबर। और 2 नंबर के बाद मैं क्या ही बोलूँ, वो अलग एक है, इतना किलो इतना केजी के हिसाब से देता है। तो गाइस वो अलग बात है, ये एक फन टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये रोहन बैठे हुए हैं आराम से, नहीं आधा बैठा है आधा लेटा है। तो गाइस ठीक है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और जर्नी जो है फट से स्टार्ट करेंगे। तो मजे लीजिए आज, क्योंकि आज हम लोग पहाड़ों में चढ़ने वाले हैं, और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस रेडी टू गो, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल जाएंगे अभी। बाय बाय बर्दिवास। सो गाइस अभी करीब 9:10 हो रहा है, और जर्नी अभी जो है स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने। 390 किलोमीटर है यहाँ से काठमांडू होके पोखरा, देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं आज। ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है, हाँ, क्योंकि मेन जो जर्नी है वो आज से स्टार्ट हो गया। सो बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है। 390 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ पे सारा होटल्स जो है बर्दिवस में आप लोगों को मिल जाएगा। होटल में खाना वाना एकदम बढ़िया है, घर की तरह ही है, तो सुपर क्वालिटी है खाने का, सारा कुछ बढ़िया है। अभी ये यहाँ से काठमांडू 153 किलोमीटर है, और घड़ी में 10:05, मतलब 1 घंटा का जर्नी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और यहाँ हम 30-35 किलोमीटर वहाँ से आ चुके हैं। तो रोड थोड़ा शानदार लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा
नेपाल का एक बड़ा शहर बिद्धमोर या फिर दूसरा एक सिटी था, वहाँ से थोड़ा एक बड़ा शहर देखने को ये मिला है। सो गाइस चलते हैं, ये क्रॉस करके यहाँ से एक 52 किलोमीटर है काठमांडू, और काठमांडू से फिर हम लोग पोखरा की तरफ निकलेंगे। ये पहाड़ एक वैली में ये शहर स्थित है अभी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर कोई घर वर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ नीचे की वैली में ही ये शहर फैला हुआ है। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हीरापानी क्रॉस कर लिए हम लोग, और ये सामने देख सकते हैं चढ़ाई जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही ये अलग अब ये फील देगा, अब ये उठेगा, अब ये चढ़ेगा, अब यहाँ से हम लोग ड्रोन शॉट लेंगे। सो गाइस ये बाइक आप लोग देख सकते हो ऊपर चढ़ा कर रखा है। सो अभी घड़ी में 10:40 हो गया है गाइस, क्या बताए, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये ऊपर से व्यू आप लोगों को दिखाएंगे ड्रोन में कि कैसा आ रहा है और कितना पिन हम लोग चढ़े। 7 पिन है, एकदम चढ़ा हुआ है, किलोमीटर आगे है, और यहाँ से एक लगभग 135 किलोमीटर 140 के करीब काठमांडू है। रोड बढ़िया है क्योंकि ये हाईवे को कनेक्ट करता है, मतलब काठमांडू को कनेक्ट कर रहा है, तो रोड एकदम एक ही रोड है, तो रोड का कंडीशन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर रोड है, और ये चारों तरफ बहुत शानदार नज़ारा है। थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग, ऊपर 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 चढ़ रहे हैं, और ये अभी 7 पिन है, लगता है ये इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा ये पिन, ये लास्ट टर्निंग मतलब लास्ट जो है एक सेगमेंट है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखिए ऊपर देखिए गाइस, बहुत बढ़िया है। पूरा टर्न है भाई, पूरा टर्न ऊपर तक चलेंगे, गाड़ी दिख रहा होगा आप लोगों को, नीला नीला आसमान, ओ गॉड बहुत बढ़िया लग रहा है, अलग अलग मजा है, अलग ऊपर से इंशाल्लाह हम लोग ड्रोन शॉट्स लेंगे और आपको जो सारा व्यू है वो दिखाएंगे कि ऊपर से नज़ारा क्या दिखता है और हम लोग कितना रोड क्रॉस करके आए वगैरह वगैरह। ओ गॉड गाइस गाइस गाइस, दिखा गड्ढा, बहुत ही ऊपर चढ़ गए हम लोग, और ठंड भी थोड़ा लग रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है नीचे का, क्या बताऊं, आंखों से दिख रहा हूं जो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद व्यू है भाई साहब, जिंदाबाद व्यू है। तो व्यू पॉइंट तो होगा ही, तो हम लोग व्यू पॉइंट में रुकेंगे इंशाल्लाह।
द आईना, चारों तरफ आईना, पता नहीं क्या किस कारण में, ये कारण पूछेंगे हम लोग कि कारण क्या है, लेकिन चारों तरफ मिरर ही मिरर, मिरर ही मिरर चारों तरफ, द मिरर शायद ये सबका नाम और कुछ लिख के लिख रहा है, जिस वजह से ये है। ओह गॉड, पूरा मिरर चारों तरफ लगाया है, वैसा ही कुछ होगा। अच्छा लगा, कुछ स्पिरिचुअल होगा, सब अपने नाम लिख के रखा है। मिरर पूरा जगह में एकदम भर दिया, एक 2-4 लाख मिरर होगा वहां पे पीसेस, वो पूरा रोड पे लगा हुआ था। अच्छा लगा, एक यूनिक चीज देखने को मिला। कितना टाइम लगता है अभी घड़ी में? 2 बज रहा है, 1:58। अगर एक घंटे में हम लोग, एक घंटे या 1 घंटे में अगर काठमांडू को छोड़ते हैं, तो फिर हम लोग 8-9 बजे तक पोखरा पहुंचने का एक चांसेस बन जाएगा। देखते हैं, लेट सी क्या होता है। इतना टर्निंग था, रोड बढ़िया है लेकिन बहुत शार्प टर्निंग था जितने भी हम लोग कवर किए। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड और मजा लीजिए। आज हम लोग काठमांडू क्रॉस करके सीधा पोखरा जाएंगे। आज हम लोगों का day 3 है और आज 1 दिसंबर है, मैं सुबह भी बोल चुका हूँ। और देखते हैं कितने बजे तक हम लोग पहुँचते हैं। और कुछ नेपाली राइडर को दिखा, कुछ डार्ट वाइट दिखा, लेकिन ये लोग बाइक बहुत रिस्की चला रहा है, पता नहीं ये लोग शायद यूज टू है, मुझे नहीं लगता कि यूज टू में इतना रफ बाइक चलाएगा। सामने ब्लाइंड कार है, लेकिन ये लोग देख ही नहीं रहा है, ब्लाइंड कार में भी ब्लाइंड होके चला रहा है। थोड़ा ऑफ रोड है, ऑफ रोड है तो थोड़ा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग इधर। शायद ये ब्रिज पुलिया टूटा हुआ है, इस साइड से रोड बनाया हुआ है। रोड सही था अब तक जितना है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये थोड़ा ऑफ रोडिंग का सामना जो है हम लोग को करना पड़ रहा है। क्या जगह है भाई, क्या जगह है, मस्त। यहाँ पे अपना बाइक लगाएंगे थोड़ा गाइस, और गाइस हाँ, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। माउंट एवरेस्ट के देश में आ गए, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। अब बोलेंगे कि जैसे कि हम लोगों को पता ही नहीं है ऐसा बोल रहा है ये, लेकिन जेन्युइन बात है वही बोल रहा हूँ। खूबसूरती गाइस, क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है। गाइस क्या व्यू है, क्या नजारा है। चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। अभी 4:17 है, कितने बजे पहुंचते हैं काठमांडू, आगे बात करते हैं। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, मजा आएगा सामने, क्योंकि काठमांडू एक इंटरनेशनल शहर है और नेपाल का मेन सिटी है, कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। वी आर कमिंग गाइस, क्या ही बताए, और थोड़ी की दूर है लेकिन अन्नपूर्णा सर्कल गाइस, आंखें हटा नहीं पा रहे हैं,
क्या नजारा है, यहाँ से बैठ के देखेंगे नजारे को। सो गाइस, ये काफी बड़ा सिटी है। अभी घड़ी में 5:23 हो रहा है और हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए। जगह का नाम है बेनेपा। या तो बेनेपा हम लोग क्रॉस कर गए। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। चलिए 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 बात करते हैं गाइस। सो आप लोगों का पहला जो व्यू है काठमांडू का, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पूरा तारों जैसा लग रहा है। तो गाइस, हम लोग काठमांडू घुस चुके हैं और अभी शाम का 6 बजे में, 6 बजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 बजे घुस जाएंगे। 6:10 हो रहा है। ऑलरेडी 10 किलोमीटर पहले ही घुस गए थे, आधा घंटा 35 मिनट पहले। तो और मदरलैंड है हम लोगों का, रघुनाथगंज का मदरलैंड नहीं, दूसरा मदरलैंड है। तो यहाँ से राइट ले लेंगे। पता नहीं भैया कहाँ से लेगा, तो ले क्यों नहीं रहा है, तो ले लो भाई। तो यही है, वो सामने एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बगल से ही जा रहे हैं। रनवे बाएं तरफ ही होगा, तो उसका ओरा जो का सूख के लिए हम लोग राइडिंग गियर्स, अल्फा राइडिंग गियर्स बोल के जो शॉप है JW मैरियट काठमांडू के बगल में, तो वहीं पे जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोगों को शू नहीं मिला। 3-4 गियरिंग राइडिंग गियर के दुकान गए, वहाँ पे नहीं था शूज। एक शू मिला तो 50,000 दाम बोल रहा है, सोचिए। तो आ गए हम लोग वहाँ से और सब 7 बजे सब बंद हो गया, 6:30 बजे से बंद हो गया पूरा सिटी। मोटा मोटी जो था मॉल के वहाँ पे थोड़ा बहुत खुला हुआ था, लेकिन जो शॉप वगैरह शॉपिंग मॉल वो सब बंद हो गया। तो हम लोग डिसाइड किए कि अभी चलो 7 बज रहा है तो हम लोग खींच देते हैं। तो हम लोग पहुँच जाएंगे 3-4 घंटे में। 190 किलोमीटर है अभी यहाँ से, 190-195 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे जल्दी। तो हम लोग थोड़ा डिसीजन लिए वहाँ पे रुक के कि चलो हाईवे है तो हम लोग पहुँच जाएंगे पोखरा। यहाँ पे रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने के टाइम हम लोग ज़रूर यहीं पे रुकेंगे आपका पोखरा काठमांडू में। तो आज का दिन वेस्ट करके फ़ायदा है नहीं। अब बसेस देखिएगा गाइस, क्या ही बताए। रात का 1:30 बज रहा है अभी और पोखरा यहाँ से 40 किलोमीटर है। स्टे जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग पोखरा घुस चुके हैं। फाइनली 3:18 बज रहा है रात के नहीं, सुबह के 3। तो फाइनली पोखरा पहुँचे बहुत संघर्ष के बाद। ये जो 72 किलोमीटर है ना, रोड ही नहीं है भाई। जो इतना तकलीफ उठाया, इतना कष्ट उठाया इस रोड में क्रॉस करते हुए। रोड में बाइक चला ही नहीं पा रहे हैं, इतना कंडीशन ख़राब हो गया था, क्या बोले। फाइनली घुसे। अभी कुछ देर में हम लोग जो रिसॉर्ट लिए हैं, तो मतलब देखे हैं, उस रिसॉर्ट में घुस जाएंगे एक 10 या 15 मिनट में। आज काठमांडू वहाँ पे पूछा भी तो लोग ने बोला कि हाँ आप लोग 3-3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, 4 घंटा में ज़्यादा है। तो 7 बजे हम लोग 7 बजे छोड़े कि 7, 8, 9, 10, 11 बजे भी छोड़े कि ठीक है 1 बजे तक भी पहुँच जाएंगे। 2 घंटा ज़्यादा भी लग गया, हम लोग कहीं पर भी खाना भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं किए, एक जगह रुके, सिर्फ बस पानी वानी पिए, बस झमेला ख़त्म और पूरा बाइक को चलाए। तो अगर वो भी नहीं करते, खाना वाना खाते और कहीं रुकते तो गाली दे रहा हूँ, मतलब दिमाग सटका हुआ है, तो सुबह हो जाता यार। इतना बकवास रोड है, क्या बताएं। तो फाइनली पोखरा पहुँच चुके हैं। तो कल का दिन भी हम लोग का, आज का तो वेस्ट हो गया, कल तो हम लोग उठ नहीं पाएंगे सुबह। तो उससे अच्छा हम लोग काठमांडू में ही रह जाते। तो
ये प्लान भी गलत हुआ और गाइस 9 बजे बाइक छोड़ा था, 18 घंटा का जर्नी किए, 9 और इधर 6, 18 और एक 19, 19 आवर्स हम लोग जर्नी किए टोटल। ना दोपहर का खाना खाए थे और ज़्यादा डोल शॉट भी नहीं लिए, कुछ नहीं किए किए, सिर्फ बाइक चलाए और जर्नी का जर्नी को सक्सेस करने के लिए जो कष्ट उठाया, लेकिन क्या कर सकते हैं, 19 आवर्स हम लोग बाइक चलाए कंटिन्यू गाइस कंटिन्यू। और फिर रूम नहीं मिला गाइस, तो हम लोग लेट क्यों जा रहे हैं, यहाँ तो सब उठ गया लग रहा है। गगन स्टैचू और एक यूनिक प्लेस लग रहा है, जो संघर्ष किया वो जाके आज रंग ला रहा है, ऐसा है, अच्छा लग रहा है देखने में। किंग्स लॉन्च किए, नाइट लाइफ है, पूरा रात ओपन है। हाँ, ग्रिल यही है, यही मेन रोड है। हाँ मैप तो सही दिखा रहा है, यही मेन स्ट्रीट है गाइस, देख रहे हो सारे लोग, देख रहे हो यही मेन स्ट्रीट है। हाँ ये तो ये पैदल पैदल आ जाएंगे। लेक व्यू है, लेकिन लेक का एक कॉर्नर है ये। लगा उठाओ उठाओ, लेक व्यू लिखा हुआ है। रात के 3 बजे तक यही करो, यही है रिसेप्शन। अभी एक 4 बज रहा है, 4:10 हो गया और किस देर से पहुंचे, क्या बोले, हालत बहुत खराब है, सो जाएंगे, गुड नाइट। कल ब्लॉग करेंगे हम लोग, पोखरा के एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग बाकी का बात बात कर, बहुत टायर्ड है गाइस, कल बात करते हैं, बाय बाय, सी यू टुमॉरो।